दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो देखो कितना फॉग है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा दिल्ली तो बिल्कुल पागल हो चुका है। और सच बताओ तो इतनी सर्दी में अंगीठी तो लगातार जल रही है। आग सेकने की बात तो अलग है, हम लोग तो आलू भी पकाने लगे उसमें। सर्दियाँ हो और सरसों का साग ना बने, ये कैसे हो सकता है? मम्मी जी ने पापा जी को लगा दिया एक काम में जिसे कहते हैं कटाई। मम्मी जी ने ढेर सारी सरसों की साग पकड़ा दी थी पापा जी को और वो इतने एक्सपर्ट के तरीके से काट रहे थे कि मैं भी हैरान थी कि ये टैलेंट आखिर कहाँ छुपा था। दोस्तों, खुद को गर्म रखने के लिए चाय पीना जरूरी है और पूरे दिन चाय चलेगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। और यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैंने नहाया नहीं है, इसलिए आप मुझे पुराने कपड़ों में देख रहे हो। तो कभी कभी ना नहा के बड़ा मजा आता है क्योंकि इतनी ठंडी है। तो मैं अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह मैं कहाँ जल्दी। दोस्तों, हमारा एक रिचुअल है मेरे और हस्बैंड का कि जब भी हम लोग ग्रेटर नोएडा आते हैं तो सुबह सुबह छोले कुलचे जरूर खाते हैं रोड साइड। आपको पता है पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था। हस्बैंड ने कहा मोटे होने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी तुमने, छोले कुलचे खा के छोला कुलचा ही हो जाओ। दोस्तों, स्ट्रीट फूड को लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इतना बढ़िया खाना स्ट्रीट्स पे ऐसे ही मिल रहा है। हस्बैंड ने कहा कि 10-11 बज जाने दो, कैफे ले चलूंगा, रेस्टोरेंट ले चलूंगा, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं वहाँ जाना बिल्कुल अवॉइड करूंगी। साथ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और मैंने देखा कि लोग सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, मैं सबके बाल देख रही थी किसके गीले हैं किसके सूखे हैं, क्योंकि जिसके सूखे होंगे उसे नहाया नहीं होगा, जिसके गीले होंगे वो इतना जबराट निकला। इतने बहादुर लोग हैं कि सुबह सुबह इतनी कड़क ठंड में नहा के जा रहे हैं। अरे वैसे ये बात तो सच है कि कुछ ठान लो तो इंसान कर ही देता है। जैसे सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ चाहे दुनिया के किसी कोने में रहूं। इन सब बातों के बीच मुझे याद आया कि मैं तो छोला कुलचा खा रही थी। ये देखो दोस्तों, क्या बढ़िया छोला कुलचे आ गए। होंगे कि हमेशा यही खाती रहती है। दोस्तों, अगर जिस दिन आप खाओगे आप भी दीवाने हो जाओगे। लेकिन इस बार का रायता जो हस्बैंड ने लपक के पी लिया ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, ये ऑयल ऑयल सा लग रहा था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। घर आ गए और देखा कि सरसों का साग बन चुका है, उसके साथ ज्वार की रोटी कड़ी कड़ी सिकी हुई, और जो अंगीठी में आलू छोड़ के गए थे वो भी पक गए। मतलब वाह वाह करके पापा जी को बोला मैं भी बनाऊंगी और एक बना के रोटी उनको भी दी। बालकनी में मेरी नजर पड़ी तो मम्मी जी ने खाने का इंतजाम कर रखा था मेरे, मतलब लाल वाली मिर्ची अचार के लिए। मन तो कर रहा था ऐसे खाती हुए हस्बैंड से कहा जल्दी से कोयला डालो, ये बंद होने वाला है। पूरे दिन अंगीठी के पास कुत्ता बनकर बैठी रही। अभी हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए अदरक, क्योंकि बहुत सारी अदरक चाहिए होती है चाय के लिए, और इतनी अदरक कोई नॉर्मली रखता नहीं अपने घर पे। मैं खाऊंगी कुछ और भी, दुकान जा रहे हैं तो खाएंगे ही खाएंगे, ऐसे कैसे बैठ सकते। प्रकाश दोस्तों, पूरे दिन मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई और रात है, यहाँ इतनी ठंड है, जम रही हूँ। अभी जा रहे हैं, आपको तो बताया मैंने। दोस्तों, मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत किए आप जिंदगी में कुछ पा नहीं सकते, इसलिए मैं आज बहुत मेहनत करके अदरक की दुकान तक जा रही हूँ। और इतनी सारी सब्जियाँ देख के मैं खुश हो गई। मन तो कर रहा था अंगीठी लाऊं, कढ़ाई लाऊं और यहीं पे बनाने लग जाऊं सारी सब्जियाँ मिक्स वेज। लेकिन अगर मेरा ये ख्याल इस सब्जी वाले को पता चल जाता तो वो मुझे खदेड़ देता, भगा देता। भूल ही गई कि मैं क्या लेने आई थी, लेकिन लगता है सब्जी वाले ने मेरा दिमाग पढ़ लिया और वो अदरक ही तौल रहा था। हस्बैंड ने बता दिया था उसको मजाक। दुकान देख के तो मेरी आंखें चकाचौंध हो ही जाती है। एक सामान की जगह मैं 100 सामान लेके चली जाती हूं। एक तो वैसे ही नॉस्टैल्जिया में जीती हूं और बचपन की यादें और हो गई जब नटखट देखा दोस्तों। फिर हस्बैंड मुझे डांट डपट के ले आए कि चलो चाय बनाओ, जिसके लिए गए थे। गर्मा गर्म चाय बन गई और अपने सर्दी का इंतजाम मैंने कर लिया। हस्बैंड की एक हरकत देख के तो मैं ताजुब कर रही थी कि अंगीठी का इतना यूज। और फाइनली अपनी चाय लेके मैं बैठ गई गपशप करने। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।